بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मेरे बच्चों उम्मीद है कि आप बिल्कुल बखैर आफियत होंगे अल्लाह आपको सलामत रखे और हम सबको अल्लाह सलामत रखे आज मैं आपको यानी 11th क्लास को पढ़ाने जा रहा हूँ वाटर पोटेंशियल ऑस्मोसिस एंड प्लाज्मोलिसिस हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और इसी का ये सिलसिलावार टॉपिक आ रहा है वाटर पोटेंशियल का क्या मायने है ऑस्मोसिस का क्या मतलब है और व्हाट डू वी मीन बाय प्लाज्मोलिसिस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट वाटर पोटेंशियल मीन्स इट इज द टेंडेंसी ऑफ वाटर पानी में वो सलाहियत टू मूव फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं ड्यूरिंग वेरी सेलुलर प्रोसेसेस सच एज डिफ्यूजन ऑस्मोसिस एटसेट्रा मुख्तलिफ सेलुलर प्रोसेसेस जो होती रहती हैं प्लांट्स में मिसाल के तौर पर डिफ्यूजन है या ऑस्मोसिस है इन प्रोसेस के दरमियान जो वाटर में जो सलाहियत है टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वन पार्ट अनदर पार्ट इट इज द वाटर पोटेंशियल द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज जीरो प्योर वाटर की पोटेंशियल जीरो है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है ना उस पर प्योर वाटर की जो वाटर पोटेंशियल है वो है जीरो व्हेन सम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर डिक्रीजेस और जब हम किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं पानी में तो इस साफ पानी की जो मतलब ये डिसॉल्व होने सॉल्यूशन बनने के बाद द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर डिक्रीजेस उसकी जो पोटेंशियल है वाटर को कम होती है प्योर वाटर हैज हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्योंकि प्योर वाटर में हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की ये सीधी सी बात है देयरफॉर इट हैज हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल तभी कहा जाता है कि इसको हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल है द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर आर ए सोल्यूशन इनक्रीजेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर वैल्यूज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि अगर ये वाटर पोटेंशियल जो प्योर वाटर हो या सोल्यूशन हो वो इंक्रीज होता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर वैल्यूज जब हम प्रेशर यानी दबाव बढ़ाते हैं मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस वक्त इन इस वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर की या सॉल्यूशन की इंक्रीज होती है व्हेन वाटर डिफ्यूजेस इनटू अ प्लांट सेल इट कॉजेस प्रेशर टू बिल्ड अप अगेंस्ट द सेल वॉल सीधी सी बात है जब वाटर डिफ्यूज होता है यानी डिफ्यूज होता है इनटू प्लांट सेल में इट कॉजेस प्रेशर टू बिल्ड अप अगेंस्ट सेल सेल वॉल पर प्रेशर बढ़ता है दिस मेक्स द सेल वॉल टर्जेड इससे ये जो सेल वॉल होती है इस प्लांट से इस सेल की वो टर्जेड होती है एंड दिस प्रेशर इज टर्मड एज प्रेशर पोटेंशियल एंड हैज नेगेटिव वैल्यू तो इस प्रेशर को जो वहां पर मतलब कायम हो जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल और इसका वैल्यू अक्सर जीरो होता है Now we will take this what is osmosis. It is the movement of solvent or water molecules from higher water potential to lower water potential across a semipermeable membrane until equilibrium is reached. आपको पता होगा सुनो ये जो वाटर है ये मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ये मतलब हर एक चीज को अपने अंदर मतलब वो ये डिजॉल्व कर सकता है जो होगा तो मूवमेंट ऑफ वाटर मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल से इसका मूवमेंट तो कहां कहां की ओर लोअर वाटर पोटेंशियल की जानिब जो मूवमेंट है वाटर का
एकरा से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, तब तक मूवमेंट होता रहता है जब तक न इक्विलिब्रियम इज रिचर्ड, जब तक न पूरा जो इक्विलिब्रियम है, तवाजुन है, यानी मुतवाजन हो जाएंगे दोनों साइड, तब तक ये मूवमेंट होता रहता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो थोड़ी सी डिफरेंस हम करेंगे बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में। तो डिफ्यूजन का क्या मायने, डिफ्यूजन इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स कंसेंट्रेशन डिफरेंस। कंसेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो डिफ्यूजन है, ये पैसिव मूवमेंट है, किन का, पार्टिकल्स का, आयन्स का या मॉलिक्यूल्स का, तो इस अमल को डिफ्यूजन कहते हैं। उसके बरअक्स ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस, ऑस्मोसिस वो अमल है इन विच द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, यानी वाटर का जो डिफ्यूज होना है अक्रॉस अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी ये जब किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के आर पार चला जाए, डिफ्यूजन हो जाए, तो इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। नंबर सेकंड डिफरेंस, इट डज नॉट रिक्वायर ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, जबकि ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत है। तो ये थी दो डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। उसके बाद हम देख लेंगे ये जो प्लाज्मोल है, इसका मायने क्या है। तो प्लाज्मोलिसिस इट कैन बी डिफाइंड एज, इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, एज श्रिंकेज ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का श्रिंक होना ऑफ ए प्लांट सेल, प्लांट सेल में, अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल, सेल वॉल से दूर चली जाती है, एंड टुवर्ड्स द सेंटर की जानिब जाती है। इट अकर्स बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द इंट्रासेल्यूलर स्पेस टू द आउटर सेल्यूलर स्पेस। यानी ये श्रिंकेज क्यों होता है साइटोप्लाज्म का टुवर्ड्स सेंटर ऑफ दिस, इट अकर्स, ये तभी होता है जब मूवमेंट ऑफ वाटर, जब पानी निकल जाता फ्रॉम द इंट्रासेल्यूलर स्पेस से निकल जाता, यानी जो इंट्रासेल्यूलर स्पेस से निकलता है पानी टू द आउटर सेल्यूलर, यानी सेल के बाहर चला जाता है, द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल श्रिंक, इसका साइटोप्लाज्म सेल का श्रिंक हो जाता है, एंड द सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड। तो इस तरह हम कहते हैं कि ये जो सेल, इसको हम प्लाज्मोलाइज्ड कहते हैं। दिस प्रोसेस कैन बी ऑब्जर्व, ये हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं इन एन ऑनियन पील, जब हम एक ऑनियन पील रखेंगे इन हाईली कंसेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन, जब किसी सॉल्ट सोल्यूशन, हाईली कंसेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में रखेंगे हम ऑनियन पील को, तो वहां हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं बाज़ाब्ते एक्सपेरिमेंट के जरिए कि ये प्लाज्मोलिसिस किस तरह होती है। तो इस तरह आज का जो टॉपिक था, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस एंड प्लाज्मोलिसिस, किस हद तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो महदूद वक्त में ये टॉपिक आप तक पहुंचाना पड़ता है, तो अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही होगी तो मेहरबानी करके किताब देखना या मेरे साथ रहा करना, वाटर पोटेंशियल का है, ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में थोड़ी सी फर्क मैंने कर ली, और प्लाज्मोलिसिस क्या है, तो उम्मीद है कि आपने पूरा समझ लिया होगा। बाकी वसलम, अस्सलाम वालेकुम।